उदाहरण 9, बहुपद px बराबर 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 1 तथा बहुपद qx बराबर 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 2x धन 5 का योगफल एवं अंतर ज्ञात कीजिए। बहुपद p x धन q x बराबर पहला बहुपद जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे 4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण 1 कोष्टक बंद धन दूसरा बहुपद 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 2x धन 5 कोष्टक बंद। इन दोनों कोष्टकों को के बहुपदों को हम यहां पे इसका योग करेंगे। तो सबसे पहले हम कोष्टकों को खोलेंगे, तो कोष्टक खोलने पर हमें प्राप्त होगा 4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण 1। दूसरा कोष्टक खोलेंगे धन 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 2x धन 5। अब हम यहां पे समान पदों को एक साथ लेंगे, तो यहां लिखेंगे 4x का घात 3 धन 4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x का घात 2 धन 2x ऋण 2x ऋण 1 धन 5। अब हम यहां पे समान पदों के गुणांकों को एक कोष्टक में लिखेंगे, 4 धन 4 और x का घात 3 को हम कोष्टक के बाहर लिखेंगे धन इनके गुणांकों को 3 धन 2 कोष्टक के अंदर और x का घात 2 उभयनिष्ठ चरांक धन 2 ऋण 2 गुणांक को कोष्टक में लिखेंगे और x उभयनिष्ठ बाहर आएगा धन ऋण 1 धन 5 जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे। अब 4 धन 4 8 x का घात 3 धन 5 x का घात 2 धन 2 ऋण 2 0 x धन ऋण 1 धन 5 बराबर 4 बराबर 8 x का घात 3 धन 5 x का घात 2 शून्य गुणित x ये आपका शून्य हो जाएगा, इसे हम छोड़ के धन 4 लिखेंगे। यहां पे हमने दो बहुपदों का योग किया। इसी प्रकार हम बहुपद px और qx के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला बहुपद जो है उसे कोष्टक में लिखेंगे 4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण 1 कोष्टक बंद। फिर क्योंकि हमें घटाना है तो ऋण चिन्ह और दूसरा बहुपद को हम फिर से दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 2x धन 5 इसे हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। अब हम यहां पे कोष्टक को खोलेंगे तो पहले कोष्टक में जो बहुपद है वो वैसे ही रहेगा 4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण 1। अब ऋण चिन्ह जो है ऋण 1 जो है सभी पदों से गुणा होगा, तो ऋण 1 गुणित 4 बराबर ऋण 4 x का घात 3 ऋण गुणित धन ऋण 2 x का घात 2 ऋण गुणित ऋण धन 2x फिर से ऋण गुणित धन ऋण 5। अब हम समान पदों को एक साथ लिखेंगे तो 4x का घात 3 ऋण 4x का घात 3 धन 3x का घात 2
ऋण 2x का घात 2 धन 2x धन 2x ऋण 1 ऋण 5 बराबर। अब इनके गुणांकों को हम कोष्टक में लिखेंगे तो 4 ऋण 4 x का घात 3 उभयनिष्ठ चर धन 3 ऋण 2 गुणांकों को हम कोष्टक में लिखेंगे x का घात 2 धन 2 धन 2 जिसे हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे और हमारा जो चर x जो है उभयनिष्ठ निकलेगा। इसके बाद ऋण 1 ऋण 5 बराबर ऋण 6 हुआ। इसे हम आइए देखते हैं आगे 4 ऋण 4 बराबर 0 0 x का घात 3 धन 1 x का घात 2 धन 4 x ऋण 6 बराबर। यह शून्य होने पर हमें x का घात 2 धन 4 x ऋण 6 प्राप्त होगा। इस तरह यह उदाहरण का हल हुआ। करके देखें, इन बहुपदों के योगफल व अंतर पता करें और प्राप्त बहुपद की घात भी बताइए। पहला बहुपद py बराबर y का वर्ग धन 5y, बहुपद qy बराबर 3y ऋण 5। दूसरा बहुपद pr बराबर 5r का वर्ग ऋण 9, बहुपद sr बराबर 9r का वर्ग ऋण 4। तीसरा बहुपद py बराबर 15y की घात 4 ऋण 5y की घात 2 धन 27, बहुपद sy बराबर 15y की घात 4 ऋण 9। कई बार हमें बहुपदों का योग अथवा अंतर पता होता है। यदि ऐसे में हमें एक बहुपद पता हो तो दूसरा बहुपद भी पता कर सकते हैं।